नमस्कार, इस वक्त हम हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में। और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में भी जो है लगातार अलग अलग फसलों की आवक जो है अब शुरू हो गई है और लगातार आवक जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस बीच चना जोर गरम, यानी संभावना जताई जा रही है कि आने वाला जो वक्त है उसमें चने के जो दाम है वो लगातार बढ़ते नजर आएंगे और इसका सीधा असर भी जो है वो बाजार पर देखने मिलेगा। व्यापारी हैं हमारे साथ रामलाल जी, सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ स्थितियां चने के व्यापार को लेकर के बन रही है। रामलाल जी, क्या कुछ चने की आवक है और क्या स्थिति बन रही है? देखो, चने की आवक तो नहीं के बराबर है सर। क्या माल नहीं आ रहा, पेट भर के माल नहीं मिल रहा है। और चना आगे जाके 7,500 बिकेगा सर। अच्छा, हाँ, अभी ये 57-58 के भाव है, आगे जाके 7,500, ये राखी बाद 7,500-8,000 बिकेंगी। बिकेंगे। फूल निकलेगी इसमें चने में, एक चना एक लाल तुअर, ये दो चीज बहुत तेज चलेगी सर। हाँ, इसको कोई नहीं अच्छा रोक सकता है। अच्छा लगातार अब आवक की बात करें तो आवक आखिर क्यों कम हो गई, क्या कारण रहे? एक सरकारी खरीद शुरू हो गई तो उसका फर्क पड़ा। नहीं, सरकारी माल चना बोया नहीं किसानों ने, गेहूँ ज्यादा बोया है, चना कम बोया है। और चने में फूल निकलेगी आगे जाके लंबी, इसलिए तकलीफ आएगी। अच्छा, हाँ, अभी यदि हम बात करें तो डिमांड किस तरह की है चने की, क्या लगातार डिमांड बढ़ रही है? चने में डिमांड बढ़ेगी लगातार, दिन पे दिन चने के। अब त्योहार आएंगे इसके बाद, होली बाद, तो चने की डिमांड बढ़ेगी साहब। और चना माल है ही नहीं क्या, इसलिए माल में फूल है, तो चना 7,500 बिकना ही बिकना है। अच्छा, अभी वर्तमान में क्या दाम चल रहे हैं और एक दो दिन में कैसे? अभी 57-58 के भाव चल रहे हैं। अभी 6,000 हो गया था, 200 रुपये टूट गए हैं, फिर बढ़ जाएंगे। अच्छा, हाँ, कौन कौन सी क्वालिटी का चना हमारे पास आता है? अपने पास आता है पीला चना, आता है रशियन, आता है और वो इटालियन आता है, विशाल आता है, ये सभी चने आते हैं। अच्छा, अब यदि हम बात करें तो कितनी ट्रॉली माल हमारे पास चने की आ जाती है और कौन कौन से गांव से चना आता है हमारे पास? देखो, चने की यहाँ वक्त ये समझ लो 150 बोरी की आ रही है बस, दिन भर में दो दो चार चार बोरी करके करके आ रहा है। ट्राली भर के चना नहीं आ रहा है, क्योंकि माल पैदा हुआ है नहीं चना, इसलिए। अच्छा, तो निश्चित तौर पे व्यापारी थे रामलाल जी जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो चने का व्यापार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, जिसके पीछे का जो कारण है वो उत्पादन है। उत्पादन अब की बार चने का कम हुआ और लगातार जो चने की डिमांड है वो बढ़ रही है, जिसका सीधा असर अब जो है आने वाले दिनों में बाजार पर भी जो है वो देखने मिल सकता है। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।